प्रदेश सरकार की गलत नीतियों, मनमानी कार्रवाई और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदेश के रेत व्यापारियों में आक्रोश है। इंदौर में भी रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन की 2 दिन से हड़ताल जारी है। रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा, सचिव मनीष अजमेरा ने बताया कि नोटबंदी और लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग और रेत व्यापार पहले से ही बर्बाद हो चुका है। ऐसे में रेत ट्रांसपोर्टर सरकार की गलत नीतियों और निरंकुश अफसरशाही से त्रस्त है। खदान ठेकेदार द्वारा रेत का पूरा मूल्य लिया जाता है और रॉयल्टी कम कर दी जाती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, RTO, माइनिंग, जिला प्रशासन रेत ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी कार्रवाई कर धारा 379 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई करने वाले तंत्र द्वारा खदान ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो रेत की मात्रा अनुरूप रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ये हड़ताल कब, क्या, किस कारण से शुरू हुई और कहाँ का ये हड़ताल हो रही है? ये जो हड़ताल हमने चालू करी है, सभी यूनियन के अध्यक्षों ने मिलके दिनांक 15/12/2020 से भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और सागर जिले में की। उसके बाद में 24 तारीख की रात 12 बजे से देवास, इंदौर, अलीराजपुर और रतलाम, इन यूनियन ने कल से हड़ताल की है। और आने वाले समय में जैसे जैसे यूनियन अध्यक्ष की बात हो रही है, सभी प्रदेश भर के रेत व्यापारी हड़ताल से जुड़ते जा रहे हैं। निर्माण कार्य को किस तरह से प्रभावित होगा? निर्माण कार्य जब रेती होगी नहीं तो निर्माण कार्य पूरा ठप हो जाएगा। जी जी। और जब तक हमारी मांगे नहीं होगी, जब तक हम सभी यूनियन प्रदेश भर के हड़ताल पर रहेंगे। अभी किसी प्रकार से शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी या नेता आपको मनाने आया है इसके? अभी इस बारे में कोई जब नहीं आया है। हड़ताल के पहले सबको मिलके आए हैं, उनको पहले पत्र दे चुका हूँ कि हम हड़ताल पर जाएंगे या तो हमारी मांगे पूरी कर ली जाए। इंदौर में कुल कितने व्यापारी जो है रेत परिवहन? इंदौर में करीबन 550 रेत व्यापारी हैं और 1150 गाड़ियां हैं यूनियन में, और सभी उस हिसाब से अपने अपने वाहन सबने खड़े कर दिए। आपका नाम? ऊपर मोहन शर्मा, रेत मंडी अध्यक्ष इंदौर। देखिए, रेत व्यापारी पिछले 10 वर्षों से परेशान है और अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोड, इन सब के नाम पर प्रशासनिक विभागों के द्वारा कुल मिलाकर रेत ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाया जाता है। अभी एक नए कानून के तहत धारा 379 की कार्रवाई रेत ट्रांसपोर्टरों पर की जा रही है, जिसके तहत मोटर मालिक और ड्राइवरों को जेल पहुँचाने की कार्रवाई हो रही है। उसी से व्यथित होकर और आक्रोशित होकर रेत व्यापारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया। कल आधी रात से इंदौर रेत व्यापारी, देवास के रेत व्यापारी सभी हड़ताल पर हैं। भोपाल, होशंगाबाद के व्यापारी हड़ताल 15 तारीख से हड़ताल पर हैं और प्रदेश के अन्य जिलों के, रतलाम, अलीराजपुर, सभी जिलों के रेत व्यापारी हड़ताल पर चले गए। अवैध परिवहन तो होता है, फिर भी उसके बाद भी कई बार होता? नहीं, देखिए, अवैध परिवहन और अवैध खनन रोकना सरकार की जवाबदारी, मोटर मालिक की नहीं। खदान मालिक को बचाने का प्रयास सरकार के विभिन्न विभागों के संरक्षण में किया जाता है। कार्रवाई मोटर मालिक पर की जाती है, सरकार के द्वारा माफिया मोटर मालिक को बताया जाता है, जबकि जो माफिया हैं उनको सीधा सीधा बचाने का प्रयास किया जाता है। मनीष अजमेरा, सचिव रेत मंडी एसोसिएशन। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो प्रदेश मामा के नाम से जानता है जिनको, और उनके हम भानेज हैं। 15 साल में आज तक हमारे भानेजों के लिए उनने एक भी नीति ढंग की नहीं बनाई रेत की, जिससे हम परेशान हो गए। उनके आधे भानेज बेरोजगार हो गए, आधे की गाड़ियाँ खिंचा गई, आधे काम धंधे से खत्म हो गए। अभी ऐसा क्या मुख्य कारण है कि आपको तत्काल आज 12 बजे से हड़ताल करना पड़ रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि भैया, जो वहाँ से गाड़ी भर के निकलती है रेत की, उससे पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग इतना परेशान कर देता है। ओवरलोडिंग के नाम पे 10 घन मीटर की रॉयल्टी दी जाती है खदानों द्वारा और 25 घन मीटर माल ओवरलोड किया जाता है, जिससे हम परेशान हो चुके हैं। पैसे दे के, रिश्वत दे के, इस कारण हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आकाश दुबे, रेती मंडी यूनियन इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।